बिहार में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके की जनसुराज यात्रा सफल हो रही है। एक महीने से ज्यादा के वक्त में पीके ने लंबा सफर तय किया है और हर जगह उन्हें जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिला है। अपनी यात्रा के नए पड़ाव पर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के राजनेताओं को खरी खरी सुनाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस का महागठबंधन करवाया था। फिर जो 7 फैसले ले लिए गए उनमें से किसी पर भी अमल नहीं किया गया, बंदरबांट की गई, नेता और जनता को ठग कर निकल जाते हैं। में हम यहाँ आए थे, नीतीश कुमार और लालू यादव कांग्रेस का महागठबंधन बनवाए, जनता के आशीर्वाद से वो जीत कर भी वो लोग आ गया। उसके साथ साथ 7 निश्चय का एक कार्यक्रम भी बनाया गया था। 7 निश्चय का पहला निश्चय, हम लोग जब गांव में गए तो पूछे भाई क्या होना चाहिए, तो सब ने कहा कि भैया बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगार बच्चों के लिए कोई सरकार को काम करना चाहिए। तो 7 निश्चय का पहला निश्चय क्या था कि सारे बेरोजगार लड़कों को 18 साल से 35 साल का जितना लड़का है सब के कम से कम महीना में 1,000 रुपया सरकार की ओर से मिली। इतना आदमी लड़का खड़ा बाड़न, कोई के मिला था भाई? आज तक कोई के 1 रुपया मिलल ना मिलल। जब गांव में गई नहीं जाते लोग बतावल कि भैया 10वीं 12वीं तक तो कैसे परिवार पढ़ा देता, 12वीं के आगे पढ़ाई करावे ज्यादातर परिवार के पास आर्थिक साधन नहीं है। सिर्फ 3% लोग बिहार में ऐसे हैं जो 12वीं से आगे का पढ़ाई करता है। उसलिए उस समय योजना बनाई गई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, अगर योजना लागू हो जाता तो 12वीं के बाद के पढ़ाई के लिए किसी परिवार को 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ता। यहाँ पर कितना आदमी है जिसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला है? किसी को मिला है? नहीं मिला है। उस समय अनुमान था कि बिहार में 1.25 करोड़ लड़कों को हर साल ये कार्ड बांटा जाएगा। इसी तरह जब गांव में हम लोग गए तो देखे जो आदमी मजबूत है उसी के घर के सामने सरकारी चापाकल गड़ता है, इसलिए हर घर नल के योजना बनाई गई। 7 निश्चय का वो भी एक निश्चय है कि हर आदमी के घर में नल से पानी पहुंचे। 1,000 करोड़ रुपया उस पर खर्चा हुआ है और खर्चा कम और बंदरबांट ज्यादा हुआ है। किसी के घर में नल से पानी नहीं पहुंचा या ज्यादातर घरों में नल से पानी नहीं पहुंचा। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि सरकार तो वादा करेगी ही, जो नेता आएगा वो बड़ी बड़ी बात कहेगा, आप उस जाल में फंस जाते हैं, फिर जाकर वोट देते हैं और फिर नेताजी ठग कर निकल गए, फिर आप वही हाथ मलते रह जाइएगा। गांधी जयंती के दिन से जन स्वराज यात्रा की शुरुआत करने वाले पीके ने यह भी कहा कि जिस तरह से गांधी जी का साथ लोगों ने दिया तो आजादी मिली, वैसे ही बिहार में गरीबी से आजादी पाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। आजकल तो यह है ना कि जब पार्टी बनावता वो अपन फोटो लगा लेता, अपन बाबूजी के फोटो लगा लेता और कहता कि हम रहब हमरा बाद हमार बेटा रही। बापू के फोटो काहे बा, महात्मा गांधी के फोटो पर काहे बा? ऐसे बा कि देश में आजादी गांधी जी दिलवैलन। आजादी कैसे मिलल? अकेले गांधी जी दिलवा देते आजादी? आगे आगे गांधी जी चलन, पीछे से समाज खड़ा हो गई तो देश आजाद हो गई। तो अगर बिहार से गरीबी से आजादी चाहता नहीं तो सब आदमी खड़ा होकर समाज चली तब तो सुधरी, दूसर कोनो उपाय नहीं के। प्रशांत किशोर खुलेआम जमकर बिहार सरकार और बिहार के राजनेताओं की पोल खोल रहे हैं, उनकी बातों पर लोग भरोसा भी जता रहे हैं। पीके आने वाले दिनों में कोई पार्टी भी बना सकते हैं, ऐसे में बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव हो जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी।